हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं यार। हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर संसद पहुंची थी। यूं तो ये एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन अमेठी के अतीत को देखते हुए ये कई मायनों में ऐतिहासिक भी थी। साल 2019 में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद अगले दिन एनडीए और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की हेडलाइन के नीचे एक और सुर्खी थी। नरेंद्र मोदी की विशाल जीत के अलावा एक और जीत थी जिसे मीडिया ने ऐतिहासिक बताया था। लगभग सभी अखबारों ने स्मृति ईरानी के जीत को फ्रंट पेज पर छापा था। जीत के बाद दुष्यंत कुमार की पंक्तियों के साथ स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। सचमुच कभी हर घर में तुलसी वीरानी के नाम से मशहूर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज को हराकर आसमान में सुराख ही तो किया था। इससे पहले स्मृति ईरानी 2014 में भी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब उनकी हार हुई थी। 2019 में स्मृति जब राहुल के खिलाफ फिर से ताल ठोकने उतरी तो कई राजनीतिक दिग्गजों का कहना था कि स्मृति आसमान में निशाना लगा रही है। ये अलग बात है कि स्मृति ईरानी का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और 55,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। स्मृति ईरानी के फैशन से टीवी की दुनिया और वहां से राजनीति की दुनिया में आने का एक दिलचस्प संयोग है। दरअसल साल 2000 में किसी को नहीं लगा था कि वो तुलसी का किरदार निभा सकती हैं, और 2014 में किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उन्हें चुनाव हारने के बावजूद मानव संसाधन मंत्रालय दिया जा सकता है। किस्सा कुछ यूं है कि साल 2000 में एकता कपूर अपने धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए एक आदर्श बहू तलाश रही थी। इस दौरान स्मृति ईरानी से उनकी मुलाकात हुई। एकता को लगा कि स्मृति उनकी धारावाहिक में बहू की भूमिका में बिल्कुल फिट है, जबकि एकता की टीम के ज्यादातर सदस्य स्मृति को उस भूमिका के लिए फिट नहीं मान रहे थे। लेकिन एकता के जिद के आगे किसी की भी नहीं चली और स्मृति ईरानी तुलसी वीरानी के नाम से भारत के हर घर में पहुंच गई। उसी तरह जब 2014 में चुनावों में स्मृति अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हार गई तो माना जा रहा था कि केंद्र में बनने वाली मोदी सरकार में उन्हें कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई लोग उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सबको चौंकाते हुए उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाया। स्मृति ईरानी की जिंदगी का यह ऐसा पहलू है जो ये बताता है कि हालात चाहे खराब ही क्यों ना हो, विरोध में चाहे जितने लोग हो, वो अपना रास्ता बना लेती है, या यूं कहें कि विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। दो हजार 2016 का साल था। स्मृति ईरानी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु आई थी। कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर सीढ़ियां उतरते वक्त उनकी चप्पल टूट गई। किसी तरह वो अपनी कार तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि रास्ते में चप्पल ठीक करा लूंगी। 16 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। चप्पल गांठने की दुकान कहीं नहीं दिखी। काफी देर बाद पेरूर कस्बे में एक दुकान दिखी। कार से अकेले उतरकर स्मृति मोची के पास पहुंची। मोची को सिर्फ तमिल बोलना आता था। वो इस बात से भी अनजान था कि सामने बैठी महिला कौन है। इशारों में वो समझ गया कि उसे चप्पल की मरम्मत करनी है। उसने 10 रुपए मांगे। स्मृति ने 100 का नोट दिया। उसने कहा, मेरे पास छुट्टे नहीं। तब तक तमिलनाडु बीजेपी के नेता श्रीनिवास वहां आ गए थे। स्मृति ने श्रीनिवास से इसका जवाब पूछकर कहा, चेंज विंडा यानी छुट्टे की जरूरत नहीं है।
1998 का साल कई मायनों में महत्वपूर्ण था। इसी साल हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक $1 बिलियन की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। इसी साल 21 वर्षीय स्मृति ईरानी ने ब्यूटी पेजेंट फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था। लंबी कदकाठी वाली स्मृति ईरानी रैंप वॉक कर अपने बारे में बताती है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं 5 फीट 8 इंच लंबी हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री कोर्स कर रही हूँ, साथ ही मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी पसंद है। भारत जो अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का देश है, ऐसे में मुझे इसे चलाने वाले लोगों में गहरी रुचि है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति में भी मेरी बहुत रुचि है। 21 साल पहले ही फैशन की दुनिया में रहते हुए उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगी। बहुत कम लोगों को पता है कि रूढ़िवादी पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से एक स्मृति ईरानी को जेट एयरवेज ने केबिन क्रू में शामिल करने से मना कर दिया था। 23 मार्च 1976 को दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी मॉडलिंग से पहले मैकडॉनल्ड में वेट्रेस और क्लीनर का काम कर चुकी हैं। पिता कूरियर का कारोबार करते थे, माँ एक होटल में नौकरी करती थी। मिस इंडिया में शामिल होने के लिए पिता से 2 लाख रुपए लेकर मनीष मल्होत्रा के पास अपने लिए कपड़े डिजाइन करवाने पहुंची स्मृति ईरानी मिस इंडिया तो नहीं बनी, उल्टे कर्ज में डूब गई। कर्ज में डूबी स्मृति ईरानी ने जनपद के बाहर कॉस्मेटिक्स बेचने का भी काम किया है। बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि वो न्यूज चैनलों में स्ट्रिंगर यानी फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर चुकी है। मिका सिंह के साथ उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में काम भी किया है। टेलीविजन के एक कार्यक्रम ओ ला 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 में स्मृति की एंकरिंग देख एकता ने फैसला किया था कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी वीरानी यही लड़की बनेगी। इसके बाद की कहानी स्मृति ईरानी ने खुद लिखी। कहते हैं भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने स्मृति ईरानी में भविष्य का नेता देख लिया था। स्मृति ईरानी साल 2003 में भाजपा की सदस्य बनी और दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस वक्त चांदनी चौक में घर घर की रानी तुलसी वीरानी के नारे लगते थे। स्मृति ईरानी चुनाव हार गए लेकिन उनका राजनीतिक करियर इससे प्रभावित नहीं हुआ। 2004 में महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने 5 बार केंद्रीय समिति में कार्यकारी सदस्य के रूप में स्मृति ईरानी को मनोनीत किया। बाद में राष्ट्रीय सचिव भी बनाई गई। 2006 में प्रमोद महाजन की मौत के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि उनका राजनीतिक करियर अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। उन्होंने एक बार फिर सबको गलत साबित किया। सच तो ये है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा उनका मधुर संबंध रहा है, चाहे वो आडवाणी हो, नितिन गडकरी हो, आज के मोदी और शाह। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा भेजी गई थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने संघ से भी अपने रिश्ते सुधारे। स्मृति ईरानी 3 से 4 भाषाएं बोल सकती है। वो न सिर्फ एक अच्छी वक्ता है बल्कि विरोधियों को जवाब देने का उनका तरीका भी सबसे जुदा है। संसद में वो धैर्य भी दिखाती है और आक्रामकता भी। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं यार। उनके इस हुनर की बदौलत हमेशा वो बीजेपी के लिए प्रासंगिक बनी रही। देश में हर कोई ये जानता है कि स्मृति ईरानी मैकडॉनल्ड में वेट्रेस की नौकरी करती थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता है। खुद स्मृति ईरानी एक इंटरव्यू में कहती हैं, मेरी बहन ने मुझे बताया 2 नौकरी है, एक मैकडॉनल्ड और दूसरा जेट एयरवेज में। उन दिनों में पतली थी, मुझे लगा कि अगर जेट एयरवेज में नौकरी मिलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा, कम से कम 1 महीने का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो लोगों ने कहा, शक्ल देखिए अपनी,
न शक्ल ठीक है और न ही पर्सनालिटी मैच होती है। हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। ये नौकरी मेरी छोटी बहन को मिल गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं उम्र में बड़ी थी। मेरे पास मैकडॉनल्ड का विकल्प अभी भी बचा था। मेरे वहाँ पहुँचने तक सारी नौकरियाँ फुल हो गई थी, बस झाड़ू पोछा वाली नौकरी बची थी। उस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मैंने कहा कि आपकी जो नौकरी है मुझे दे दीजिए, मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि आपकी ट्रे धोते धोते एक दिन मैं मैनेजर जरूर बन जाऊंगी। तब मुझे 1800 रुपए की नौकरी मिली थी। स्मृति ईरानी का राजनीति में आना कोई संयोग नहीं है। उनके दादाजी आरएसएस के स्वयं सेवक थे और माँ जनसंघ। जिस विचारधारा की राजनीति आज वो कर रही है वो बचपन से ही उनके इर्द गिर्द मौजूद थी। टेलीविजन की दुनिया में नाम कमाने के बाद स्मृति ईरानी राजनीति में आई है। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मजबूत राजनेता के रूप में स्थापित किया है। संसद में वो पूरी तैयारी के साथ जाती है, सवालों के जवाब के लिए होमवर्क करती है। इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक-ए-बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का पक्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। 2014 में अमेठी का लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार 5 साल तक काम करती रही। कभी किसी मजदूर के घर पहुंच जाती थी तो कभी बांध की निगरानी करने। अमेठी से जुड़ा एक किस्सा है। चुनाव का वक्त था, स्मृति चुनाव प्रचार के लिए अमेठी आई हुई थी। कुछ कार्यकर्ता स्मृति से मिले बगैर अपना काम कर रहे थे। वोटिंग के बाद दोनों कार्यकर्ताओं के पास स्मृति ईरानी का फोन आया। स्मृति ने प्रचार के दौरान मुलाकात नहीं हो पाने और इस दौरान उन्हें होने वाली मुश्किलों के लिए माफी मांगते हुए इन दोनों का आभार जताया। अमूमन चुनाव के वक्त ही नेता कार्यकर्ताओं को याद रखते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी उन नेताओं में से हैं जो इन धारणाओं को तोड़ती रहती हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि महिलाएं शमशान घाट तक जाती हैं। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता और स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। अमेठी की सांसद न केवल 1 किलोमीटर चलते हुए शमशान घाट तक जाती है बल्कि वो सुरेंद्र सिंह की अर्थी को कंधा भी देती है। ये एक ऐसा दृश्य था, ऐसी स्मृति थी जिसे अमेठी की जनता शायद ही कभी भूल पाए। एक तरह से स्मृति ईरानी ने धारणा तोड़ने का काम किया है जिसे हम सामाजिक परंपरा मानकर सदियों से ढोते आ रहे हैं। अड़तीस साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली स्मृति ईरानी की शादी पारसी उद्योगपति सुबिन ईरानी से हुई है। इस शादी से स्मृति को 2 बच्चे जौहर और जोइश हैं। स्मृति सुबिन की दूसरी पत्नी है। सुबिन को पहली शादी से भी शोनियल नाम की एक बेटी है। शोनियल भी स्मृति ईरानी के साथ ही रहती है। जुबिन से शादी करने पर स्मृति ईरानी कहती हैं, मैंने जुबिन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम रोज मिलते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाएं। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारी शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। मैं कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना था कि अपनी फैमिली को दुख देकर शादी करने से कोई भी कपल कभी खुश नहीं रह पाता और उनकी शादी भी बर्बाद हो जाती है।
महाराष्ट्र के पुणे में स्मृति ईरानी एक सवाल के जवाब में कहती हैं, पीएम मोदी जिस दिन राजनीति से संन्यास लेंगे मैं भी उस दिन राजनीति को अलविदा कह दूंगी। स्मृति ईरानी की ये खासियत रही है कि उन्होंने हमेशा अपने आलोचकों को मात दी है। उनके अब तक के सफर को देखते हुए यही लगता है कि इतिहास उनके साथ है। ऐसे में इतनी जल्दी राजनीति से वो संन्यास लेंगी ये कहना मुश्किल है। नेता बनने से पहले स्मृति ईरानी भारतीय टेलीविजन की स्टार बन चुकी थी। राजनीति में इससे पहले भी कई स्टार्स आए, लेकिन जनता से ऐसा कनेक्शन शायद ही किसी ने बनाया हो और शायद ही किसी ने कोई धारणा तोड़ने की कोशिश भी की। हम भारत के लोग चमत्कार में यकीन भी रखते हैं और चमत्कार होने की उम्मीद भी करते हैं। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को हराना लोग चमत्कार ही मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।